आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम किंतु द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक, किंतु इसकी यानी कि सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। चलिए देखते हैं। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हमें पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और अगर हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ठीक है, देखिए जो सोडियम और मैग्नीशियम होता है तो ये क्या होते हैं, इनके मतलब परमाणु क्रमांक जो है ये 11-12 है, इस तरह से दिया गया है। और इनकी आयनन एंथैल्पी किसके आधार पे होती है, आयनन एंथैल्पी का मतलब यह है इनके इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा लग रही है। ठीक है, बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लग रही है वही आयनन एंथैल्पी हो गई। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो 2p6 तक हो जाएगा और यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3s1 तक रहेगा। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यानी कि Na+ हो जाएगा तब ये, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p6। और मैग्नीशियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आयनन एंथैल्पी लग रही है, IE1 जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी आयनन एंथैल्पी लग रही है, IE2। ठीक है, तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी है सोडियम की वो यहाँ पर मैग्नीशियम से आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी सोडियम की, यहाँ पर मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों, हमें पता है बाएं से दाएं जाते वक्त क्या होता है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है और यहाँ पर सोडियम की कम है और मैग्नीशियम की IE1 की बात करें तो वो मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी ज्यादा है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम के ये उपकोष क्या है, भरा हुआ है, यहाँ उपकोष क्या है, खाली है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम स्थाई है, ये ज्यादा स्थाई हुआ। ठीक है, इसकी तुलना में तो क्या होगा, जब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकालने में कम ऊर्जा लगेगी और इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए इसकी ज्यादा हो गई आयनन एंथैल्पी। लेकिन अगर जब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तब ये अवस्था आ गई, अगर फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो IE2 होगी। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अब निकालोगे तो कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बाहरी कोष में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो गया, मतलब ये अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को धारण कर लिया है सोडियम ने, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अब कठिन हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 3s1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, तो मैग्नीशियम की यहाँ पर आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, और सोडियम की Mg+ की कम होगी और Na+ की आयनन एंथैल्पी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, IE2। ठीक है, ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सोडियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन के समान एक बहुत अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए Na+ आयन से Mg+ आयन की तुलना में, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसी कारण से सोडियम की द्वितीय आयन एंथैल्पी मैग्नीशियम की तुलना से अधिक होती है। ओके, समझ में आ गया, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।